बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रोबोट जो हमने क्रिएट किया था उस पे मटेरियल्स ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट। और डेफिनेटली फॉर एडिंग दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स वी कैन जस्ट क्रिएट सम मटेरियल्स। और इसके चूँकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इफ़ यू कैन सी वी हैव दिस ईयर एंड आल्सो ये जो ईयर हैं ये अभी तक मेरे ख्याल से मिरर हैं। इफ़ यू गो टू मॉडिफायर तो यू कैन सी के दीज आर मिरर्ड टिल नाउ। और अगर हम एक ईयर को मूव करें, फॉर एग्जांपल बाय प्रेसिंग जी एंड एक्स, तो द अदर विल बी मूव्ड। और लेकिन ये अच्छे तरीके से मूव नहीं हो रहा, सो वी डोंट वांट लाइक दिस, क्योंकि वी डिडेंट हैव अप्लाई दीज मिरर्स। ओके, तो हम मिरर्स को अप्लाई करने के लिए, और आल्सो यू कैन सी के ये जो लेवल हैं फॉर सब डिवीजन सरफेस, इसको भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, एंड देन वी विल जस्ट इनेबल दी अप्लाई दी सब डिवीजन सरफेस। और आल्सो हम कैमरा जो मिरर था उसको भी अप्लाई कर देते हैं। एंड नाउ इफ़ वी सेलेक्ट दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ़ यू गो टू एडिट मोड, तो एडिट मोड के अंदर हम इस मिरर ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं विद एक्चुअली द ए, और इफ़ वी कैन सेलेक्ट द हाफ। ओके, और इसको सब डिवाइड भी कर सकते, यानी इसको अलग सिलेक्शन भी बना सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, बट आई विल कीप इट लाइक दिस। और नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट यूज दिस दीज ईयर्स लाइक दिस। और ये जो हेड है हमारा, और इसके पे मॉडिफायर्स आप देख सकते हैं कि वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड द मॉडिफायर्स। और इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, आई थिंक स्केल कर लेते हैं टू एक्स एक्सिस। और इसके स्केल करने से ये होगा कि थोड़ा सा हम ईयर्स को जो है वो उनको कॉर्नर्स को हम शो नहीं करना चाहते हैं, एंड वी वॉन्ट टू ब्लेंड इट इनसाइड द रोबोट। ओके, सो लाइक दिस, दिस इज़ गुड। नाउ वी विल मूव फर्दर। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं रोबोट्स के, अगर उनको आप सेलेक्ट करें तो यू कैन सी के वी हैव सब डिवीजन सर्फेसिस एज वेल हेयर। और इनको भी आप जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं हम एज़ पर आवर नीड। और आल्सो वी कैन अप्लाई द शेड स्मूथ एज वेल, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक के लेवल इसके टू, अगर वन भी रखें और शेड स्मूथ अगर हम अप्लाई करें तो दैट्स गुड आई थिंक। ओके, सो फॉर दी अदर पार्ट्स एज वेल, आई विल जस्ट सेलेक्ट एवरी पार्ट वन बाय वन, और इनके ऊपर हम शेड स्मूथ जो है वो यूज़ कर लेंगे, एंड वी विल आल्सो डिक्रीज दी लेवल्स, सब डिवीजन लेवल्स। और उसकी वजह ये है कि हम अपने रोबोट को बहुत ज़्यादा हाई पोली नहीं रखना चाहते। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और अब हम स्टार्ट करते हैं एडिंग मटेरियल ऑन आवर रिपोर्ट। और वी आर इन रेंडर व्यू, और किसी भी टाइम पे आप कैमरा को भी के व्यू को भी देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड नाउ जस्ट सेलेक्ट मटेरियल्स, और हम जहाँ पे चाहते हैं जी मटेरियल्स पे, और फर्स्ट मटेरियल ऐड करते हैं, और इस मटेरियल को नाम देते हैं एक्चुअली हमने ये वाला पाँव जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस मटेरियल, एंड आई विल सेलेक्ट दी हेड, और हेड से स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल जस्ट ऐड इट टू फॉर एग्जांपल बॉडी मटेरियल। और ये वाला जो मटेरियल है इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि वी कैन जस्ट जूम इन, और चूंकि ये रोबोट है सो वी कैन जस्ट गो टू शेडिंग व्यू, और रोबोट का जो हेड है वो हमें डेफिनेटली ग्लॉजी टाइप चाहिए, तो वी नीड इज शाइन हेयर। और उसके लिए हम सबसे पहले इसका जो बेस कलर है उसको प्योर वाइट कर लेते हैं, मज़ीद ऊपर लेके जाते हैं, एंड देन वी विल जस्ट मूव हेयर। और इसको मेटेलिकनेस थोड़ी सी ऐड करते हैं इसमें। ओके, सो नाउ यू कैन सी वेरी नाइस रिजल्ट हेयर। और आल्सो इसकी जो रफनेस है उसको थोड़ा कम करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी रियली
रोबोटिक टाइप रिजल्ट। और आज हमारे ईयर्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं। सो ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन फिक्स इट। और आई थिंक बिफोर एडिंग मटेरियल्स वी विल जस्ट सेलेक्ट दी हेड अगेन, और इसको एस कर लेते हैं एक्स और थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि हमारे ईयर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से नज़र आएँ, और एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट। तो इस साइड से भी देख लेते हैं, सो दैट्स गुड। नाउ सो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो मेन मटेरियल है वो ऐड हो चुका है, विच इज़ दी मेन मटेरियल फॉर दी बॉडी मटेरियल। और इस बॉडी मटेरियल को हम सेपरेट हिस्सों पे भी ऐड कर लेंगे। सो वी विल सेलेक्ट दिस, विल गो टू मटेरियल, और वी कैन जस्ट सेलेक्ट दी बॉडी मटेरियल हेयर एज वेल। और इसी तरीके से मज़ीद कुछ हिस्सों पे, लाइक दिस वन और बॉडी मटेरियल। एंड आई थिंक के आप यहाँ पे भी वी कैन सेलेक्ट बॉडी मटेरियल लाइक दिस। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस बॉडी मटेरियल फॉर आर रोबोट। और अब हम देखते हैं कि वट एल्स वी कैन डू। और यहाँ पे ये शूज़ हैं रोबोट के, तो इस पे भी हम बॉडी मटेरियल्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल अगर हम यहाँ यूज़ करें तो दैट विल बी बेटर। और अब हम एक और मटेरियल ऐड करते हैं। सो फॉर दैट वी विल सेलेक्ट दिस लेग्स, और यहाँ पे हम सेकेंड मटेरियल ऐड करते हैं, और इस मटेरियल को नाम देते हैं मे बी ब्लैक ग्लॉजी लाइक दिस। और इस मटेरियल को हम डार्क ब्लैक करते हैं। आगे से नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट दी ब्लैक वन, और अगर आप इसको जूम करें तो यू कैन सी वेरी नाइस मटेरियल हेयर। लाइक एंड डेफिनेटली इसको मेटेलिकनेस देते हैं थोड़ी सी, बिकॉज यू नीड सम मेटेलिकनेस। और रफनेस इसकी थोड़ी कम करते हैं। एंड सो आई थिंक के दिस इज़ क्वाइट गुड, ऑल दो के इसकी इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो जो भी आपको पसंद आए तो उस तरह का आप कलर दे सकते हैं। एनी आई विल यूज़ दिस। और इसी तरीके से ये जो आर्म्स हैं हमारे, इसको भी ब्लॉक ब्लैक ग्लॉजी ऐड करते हैं। एंड फॉर अदर पार्ट्स लाइक जॉइंट्स हम कोई और कलर यूज़ करेंगे। एंड फॉर दी फीट्स आई थिंक हम ब्लैक ग्लॉसी यूज़ कर लेते हैं। एंड हाँ, अच्छा लग रहा है। सो इफ़ वी गो टू रेंडर तो ठीक है, दैट्स गुड। ऑल दो के फीट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। सो आई थिंक के फीट्स को सेलेक्ट करके हम जो है वो ये वाला कलर यूज़ करने के बजाय एक नया कलर ऐड कर लेते हैं। और इस कलर को हम जॉइंट्स पे भी ऐड करेंगे। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस कलर, और इसको बोलेंगे जॉइंट ग्लॉजी लाइक दिस। और इसमें हम बेस कलर जो है वो ब्लूइश टाइप रख लेते हैं। ओके, एंड लाइट ब्लूइश आई थिंक इस टाइप ऑफ गुड। और फिर हम इस पे भी मेटालिकनेस, बिकॉज दिस इज़ ए रोबोट। और इनकी वैल्यूज़ को अगर आप इक्वल रखें तो आई थिंक के यू कैन गेट सम बेटर रिजल्ट। ओके, अगर इसकी वैल्यू को इसको अगर आप इक्वल रखें, मसलन इसकी मेटालिक को आप देख सकते हैं 0.47 है, इसको 0.5 कर देते हैं, स्पेकुलर 0.5 है, रफनेस 0.2 कर देते हैं मे बी। और अगर हम इसको सेलेक्ट करें एंड इफ़ यू सेलेक्ट दी 0.5 एंड 0.2, तो ये इक्वल नंबर्स हो जाएंगे और हमारा ओवरऑल बॉडी का जो मटेरियल्स हैं वो सेम शाइनिंग में आएंगे। सो फॉर दिस एज वेल इफ़ यू सेलेक्ट 0.5 एंड 0.2, तो आई थिंक दैट इज़ ए बेटर वे ऑफ एडिंग दीज थिंग्स। आल्सो फॉर दी नेक आई थिंक वी आल्सो हैव दिस ब्लैक मटीरियल। सो हम ब्लैक ग्लोजी यहाँ भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स के ऊपर हम एक और मटीरियल क्रिएट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ब्लैक
रबर ओके बिकॉज फिंगर्स विल बी ब्लैक एज वेल, और रबर के अंदर भी हम ब्लैक मटेरियल ही पिक करते हैं लाइक दिस, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और फॉर दैट पर्पस वी कैन जस्ट गो हेयर और इसकी जो मेटालिक नेस है उसको रिमूव कर देते हैं। वी विल आल्सो रिमूव दी स्पेकुलर, बल्कि स्पेकुलर को रखते हैं थोड़ी सी शाइन के लिए, और रफनेस को इंक्रीज करते हैं एंड इट विल गिव यू ए रबर टाइप इफेक्ट। लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा रफनेस को कम रखते हैं, सो दैट्स गुड। और इस पे हमने मेटेलिक जो है वो ऐड नहीं किया। आल्सो वी हैव दिस वैल्यू विच इज़ जॉइंट ग्लॉसी, और इसको हम डिफरेंट जॉइंट्स पे अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस एंड नाउ आई थिंक दैट्स गुड ओके। और अब हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट दिस इज़ गुड, और ईयर्स जो हैं ईयर्स पे भी आई थिंक हम जॉइंट ग्लॉसी यूज़ करते हैं, सो इट विल लुक मोर इंटरेस्टिंग ओके। और अब हमारी आइज़ आ जाती हैं, सो वी कैन जस्ट एड सम शेड्स टू आइज़। तो फॉर दैट पर्पज़ वी विल जस्ट सेलेक्ट दी हेड और एडिट मोड में चले जाएंगे, एंड यू कैन सी लॉट ऑफ कम्प्लेक्शन हेयर। और जब भी हम मॉडिफायर ऐड कर देते हैं यानी उनको अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद हमारी वर्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो हमेशा याद रखें जब भी आपने मटेरियल्स वगैरह ऐड करने हो, तो बिफोर एडिंग दैट बिफोर अप्लाइंग दी मॉडिफायर्स ओके। तो इसलिए हम मैंने एक नया हेड क्रिएट कर दिया रोबोट का, और अब हमारा रोबोट कुछ इस तरह से है अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स ऐड मटेरियल्स, और अब हमारे पास ये वाली शेप है, और इस शेप पे हम मटेरियल्स पे जाते हैं एंड वी विल ऐड दी मटेरियल बॉडी मटेरियल ओके। सो नाउ यू कैन सी वी हैव वेरी नाइस शेप, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आईज़ हैं उस पे जो मटेरियल है वो डिफरेंटली जो है वो ऐड होना चाहिए, और ब्लैक मटेरियल हम यहाँ पे साइड्स पे देना चाहते हैं, एंड देन फॉर इनर आई जो है वो ब्लैक मटेरियल वाइट मटेरियल जो है वो हम देंगे। सो फॉर दैट पर्पस वी कैन जस्ट हाइड दिस ओके, ताकि हमें पॉलीगॉन्स अच्छे तरीके से नज़र आ पाएँ, एंड वी विल सेलेक्ट द इनर और उस पर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मटीरियल अप्लाई करेंगे, बिफोर दैट वी विल गो हेयर और इनसाइड दिस सेक्शन वी विल क्रिएट वन अनदर मटीरियल, और इस मटीरियल को हम नाम देंगे आइज आइज ब्लैक में भी ओके। और इसको हम जो है वो इसका कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड वी विल आल्सो एड सम स्पेकुलर एंड वी विल आल्सो एड सम मेटेलिक एज वेल, एंड देन वी विल एड सम हम इसकी रफनेस को डिक्रीज कर सकते हैं, एंड देन व्हाट वी विल डू वी विल सेलेक्ट दी सर्टन एरिया, और हम पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। वी कैन प्रेस आर्ट क्लिक और एक्चुअली कंट्रोल क्लिक से कर लेते हैं लाइक दिस ओके, और लाइक दिस, और फिर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक अगर कंट्रोल आप प्रेस करेंगे तो यू कैन सेलेक्ट दी मल्टीपल सेक्शन, और फॉर एग्जांपल इस सेक्शन को हम वो वाला मटेरियल असाइन करना चाहते हैं, तो वी कैन गो टू मटेरियल्स एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट आइज ब्लैक और असाइन कर देंगे। सो नाउ दिस इज़ सेलेक्टेड टू आर इनर आई ओके विच इज़ गुड, और आई थिंक के इस सेक्शन को भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए, एंड इसको भी हम ब्लैक सिलेक्शन दे देते हैं। सो नाउ दिस इज़ गुड, और अब हम जो इनर हमारा हमारी आई है उस पे हम कोई और कलर देना चाहते हैं, सो वी विल सेलेक्ट वी विल क्लिक हेयर प्लस, और यहाँ पे हम जो है वो ऐड करते हैं मटेरियल फॉर आइज, और आइज़ के लिए डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट
थी वाइट कलर, शार्प वाइट, और दैट्स इट। इसके को हम सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस और दिस, सारे एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर द आई, और फिर हम आइज़ को सेलेक्ट करके असाइन कर देते हैं। नाउ आर आइज़ आर वाइट, लेकिन इनको ब्राइटनेस वगैरह अगर हमने देनी है तो वी विल डेफिनेटली ऐड सम मेटेलिकनेस, और आल्सो वी विल जस्ट रिमूव द रफनेस। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट, थोड़ी सी रिमूव करते हैं रफनेस 2.2 एज वेल, और ऑलमोस्ट ये और बॉडी का मटेरियल सेम है, बट आई थिंक के दिस इज़ गुड। और ये हमारा रोबोट जो है जी वो रेडी हो चुका है, उस पर हमने मटेरियल्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। एंड लास्टली ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर हम ये वाला ऑब्जेक्ट पे ये वाला मटेरियल ऐड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी हैव आवर नाइस रोबोट, और इस तरह से आप मटेरियल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब हम ये वाला काम कर लेते हैं देन वी कैन गो टू ऑब्जेक्ट मोड, एंड बिफोर दैट वी कैन गो टू सेलेक्ट वर्टिसेस एंड सेलेक्ट एवरी वर्टिस शिफ्ट, और वी कैन गो टू मर्ज वर्टिस बाय डिस्टेंस शिफ्ट एन फॉर नॉर्मल्स, और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो नाउ इफ़ वी सेलेक्ट टैब, तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वर्टिसेस हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं, और डेफिनेटली इन वर्टिसेस को कम करने के लिए वी हैव मोडिफायर, और हम इनको कम भी कर सकते हैं। बट फॉर दी रीज़न ऑफ दिस कोर्स एंड ट्यूटोरियल आई विल नॉट डू दैट नाउ, और लेटर ऑन वी विल डू दैट। और आई थिंक कि ये भी एक है, और इस पे हम जो है मटेरियल कौन सा ऐड करते हैं, सो मे बी बॉडी मटेरियल, और बॉडी मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, सो वी विल ऐड इट ब्लैक मटेरियल आई थिंक। सो लेट्स ऐड इट ब्लैक ग्लॉसी। ओके, सो दैट्स नाइस, और दैट्स इट फॉर आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।